प्रणामजी प्रणाम। अरे रे और धान तो बहुत बढ़िया बा, एमे तो कीड़ो मकोड़ा ने खसा लागल, बहुत बढ़िया और धान के फसल बा। हाँ भैया हमारा धान बहुत अच्छा बा। लेकिन दीदी हमारा धान में तो बहुत कीड़ा मकोड़ा लागल बड़े से, आ हमारा पास पैसो नहीं खे जो दवाई वगैरह के छिड़काव करी, हमारा सब कुछ समझे में नहीं खे आवत। भैया निमास तक अथी घोल नहीं जानत जे जाए बाजार में दूसर दवा लियावे। दीदी निमास्त्र ई कहल हम तो जानते नहीं कि घरेलू कीटनाशक दवा हो, ये फसल पर छिड़काव करे से कीटाणु मर जाले सन। अरे दीदी घरेलू कीटनाशक दवा हो तनी एकरा बारे में हमरो को ना बताई। चल चली भैया घर हम कीटनाशक के घोल के विधि हम बताओ तनी। हाँ दीदी चली तनी हमरो को बता दी घर में चली। अच्छा दीदी घर तो आगे नहीं सर, तनी बताओ से पहले अपन तनी पर्चे दे दीदी तो अच्छा रही। अच्छा भैया हम अपन पर्चे बताओ तनी। सभी दीदी भैया का प्रणाम, हमार नाम श्रीमती देवी, घर रूपन छाप प्रखंड बरौली जिला गोपालगंज गुलाब स्वयं सहायता का अध्यक्ष। अच्छा दीदी पर्चा तो बहुत बढ़िया दानी, तनी अब का सामान लगे ये बता दीती। अच्छा भैया कौन कौन सामान में लगे हमारे को बताओ तनी। देखिए भैया 20 लीटर वाला बाल्टी चाहिए और 20 लीटर पानी। अच्छा दीदी 20 लीटर में पानी चाहिए। हाँ देसी गाय के 1 लीटर गौमूत्र चाहिए। अच्छा दीदी देसी गाय के 1 लीटर गौमूत्र लगला। हाँ देसी गाय के गोबर 200 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक ले लगे। अच्छा दीदी देसी गाय के गोबर 200 ग्राम से 500 ग्राम तक। हाँ ठीक बात दीदी। नीम के पत्ता 1 किलो चाहिए। अच्छा दीदी मैं 1 किलो पत्ता नीम का चाहिए। हाँ अच्छा दीदी देखिए भैया है नीम के पत्ता 1 किलो ये कूटे खातिर खोलिए चाहिए। अच्छा दीदी नीम का पत्ता ये कूटे खातिर मैं खोली लेंगे। हाँ घोला मिलावे खातिर एगो डंटो चाहिए। अच्छा दीदी घोला मिला खातिर एगो डंटो चाहिए। हाँ देखिए भैया है 20 लीटर पानी बा। अच्छा दीदी 20 लीटर सादा पानी बा। हाँ अच्छा एक बात दीदी है नीम नीम के पत्ता 1 किलो में कूट के और में डलाई। देखिए भैया है 1 किलो नीम के पत्ता चाहिए, अगर कूट के वही में डाले के पड़ी। अच्छा, बारीक को में डलाई। हाँ ठीक बात दीदी है ये नीम के पत्ता 1 किलो अगर कूट के आई 20 लीटर पानी में। अच्छा दीदी अच्छा दीदी घोलवा बनाओ खाती। घोलवा बनाओ खाती ठीक बात दीदी। अच्छा दीदी नीम के पत्ता कूट कर डाला से क्या फायदा हुई। नीम के पत्ता में कीटनाशक तत्व होला, पानी में डालला से घुल जाला। अच्छा जौन की पानी में डालला से घुल जाला। हाँ 200 ग्राम देसी गाय के गोबर डालता नहीं जैमे ये 500 ग्राम डाला सकता। अच्छा दीदी में 500 ग्राम डाला। हाँ गाय के देसी गाय के 1 लीटर मूत्र चाहिए। अच्छा गौमूत्र। हाँ ठीक बात दीदी। अच्छा दीदी देसी गाय के गौमूत्र मिलाला से क्या फायदा हुई। देखी भैया गौमूत्र मिलावे से फसल के फसल हरा भरा होखेला आ फसल के जड़ मजबूत होला आ बढ़े में शक्ति मिलेला। अच्छा दीदी फसल के जड़ों मजबूत होला आ बढ़े में शक्ति। हाँ बड़ी फायदा बा दीदी। सब तो डाल दहनी ओकर बाद में हाँ डांटा से एक तरफ से मिलाव पड़े। अच्छा दीदी डांटा से मिलाओ एक तरफ। हाँ, एक साइड से। एक साइड से ठीक बात। देखिए भैया सब तो हम मिला दहनी। अच्छा दीदी अब छाहा में करके 24 घंटा रखे पड़े। अच्छा दीदी 24 घंटा खातिर रखा है। घोल के एक तरफ से एकरा के घुमावे के बा। अच्छा एक तरफ से एकरा के मिलावे के बा। मिलावे के बा। अच्छा दीदी आ छाहा में 24 घंटा छाहा में एकरा के रखे के बा। 24 घंटा छाहा में रखे के बा। हां अच्छा आ एकरा के छान के आ 24 घंटा के अंदर में एकरा के छिड़काव कर दिया ना तो खराब हो जाए। अच्छा दीदी 24 घंटा के बाद एकरा के छिड़काव कर दिया ना तो खराब हो जाए। खराब हो जाए। अच्छा दीदी कोनो किसान भैया के कोनो संदेशो दे।
हाँ भैया, हम दीदी भैया लोग का संदेश देव। सभी दीदी भैया से इतने विनती बा हमार कि नीम अस्त्र घोल बना के अपना फसल पर छिड़काव करें आ लाभ उठावे। दीदी रउआ हमारे के बड़ी कीमती समय दे के अपन हमारे के नीमास्त्र बना नीमास्त्र घोल बनाओ के सिखौनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।